कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। ऐसे में कोर्ट ने सरकार से सामूहिक समारोह सुपर स्प्रेड कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। तो यहां कोर्ट ने गरीबों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव पर चिंता जाहिर करते हुए आग्रह किया कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाए तो वंचितों के लिए पहले से विशेष प्रावधान किए जाएं। देश में जारी महामारी के बीच ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वे ऑक्सीजन उपलब्धता, कोरोना टीकों की उपलब्धता और मूल्य प्रणाली, आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने संबंधी उसके निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करें और इन सभी मुद्दों पर अगली सुनवाई पर जवाब भी दाखिल किया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर केंद्र राज्य सरकार को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य से इससे निपटा जा सके। तो बताया जा रहा है कि जब तक कोई ठोस नीति नहीं बन जाती, किसी भी मरीज को अस्पताल में दाखिल करने और जरूरी दवा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी के पास अगर परिचय पत्र नहीं है तो उसे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।